types of functions as mapping. बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात हमने पहले भी की है, लेकिन वो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के टाइप्स की बात की है. एक्चुअली फंक्शंस को हम लोग जो है कई तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तो आज हम लोग जो फंक्शंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ये मैपिंग के फॉर्म में फंक्शंस कितने टाइप का होता है आज हम इसकी बात करने वाले हैं. ठीक, तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी पहले. जैसे मैं कहूं आपसे लेट अ फंक्शन बी एफ सच दैट ए टू बी, मैंने कहा मेरे पास कोई फंक्शन है जो ए से बी जा रहा है. तो याद रखना है आपको हमेशा जब भी ऐसे बोला जाएगा तो पहला वाला सेट हमारा हमेशा ही फंक्शंस का डोमेन होगा, दूसरा वाला सेट है ये हमेशा ही हमारा फंक्शन का कोडोमेन होगा. ठीक, अब कोडोमेन जो वर्ड है ये आपके लिए अभी यहां पर नया है. आपने कोडोमेन वर्ड इसके पहले अभी नहीं सुना था, तो आपको बता दूं मैं आपको, कोडोमेन जो होता है ये रेंज का सुपरसेट होता है. कोडोमेन इज द सुपरसेट ऑफ रेंज, और वी कैन से रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो दिमाग में बिठा लोगे आप हमेशा ही कि किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा ही कोडोमेन का सबसेट होती है. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कोडोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन से ही लिए गए होंगे. रेंज के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे कोडोमेन से ही लिए गए होंगे. बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आपको. जैसे मैंने कहा ये सेट हमारे पास ए हो गया, ये सेट हमारे पास यहां पर बी हो गया. मैंने यहां बोल दिया एक्स वाई जेड, यहां बोल दिया मैंने अल्फा बीटा गामा और डेल्टा. ठीक, मैंने कहा एक्स की इमेज मान लीजिए बीटा बन गई, y की इमेज हमारे पास ये अल्फा बन गई, और z की इमेज भी मान लीजिए हमारे पास ये बीटा ही बन गई. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे डोमेन कहूं, डोमेन क्या हुआ, तो याद रखिए डोमेन क्या होगा, सेट a, ये कंप्लीट जो रहेगा हमारे पास x y z. और यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कोडोमेन क्या रहेगा, तो कोडोमेन यहां पर बेटा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा. और मैं अगर आपसे कहूं रेंज क्या होगा, तो रेंज बेटा आएगा सिर्फ अल्फा और बीटा. तो कुल मिला के रेंज के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्री इमेजेस डोमेन में अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं. ठीक, तो ये पूरा सेट हमारा कोडोमेन कहलाएगा, लेकिन इस सेट के अंदर वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेजेस मेरे पास सेट ए में मौजूद हैं, इनको हम बोलेंगे यहां पर क्या, रेंज. ठीक, इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए. चलिए एनीवेज ये हमने बात बताई आपको, क्योंकि इसका मैं आगे यूज करूंगा. चलिए, मैंने कहा टाइप्स ऑफ फंक्शंस एज अ मैपिंग, तो यहां पे हमने इसको कई तरह के नाम दिए हुए हैं. पहला होता है वन वन फंक्शन, या हम इसको इंजेक्शन भी कहते हैं. ठीक है, सेकेंड वन इज मैनी वन फंक्शन, थर्ड वन इज ऑन टू फंक्शन, या हम लोग इसको सबजेक्शन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, एंड फोर्थ वन इज इन टू फंक्शन, एंड फिफ्थ वन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, या हम लोग इसको बाइजेक्शन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये पांच फंक्शंस हैं जिनको मैं मैपिंग के अंडर लेता हूं. ठीक, इन पांच फंक्शंस में मेन कौन सा है, बस हमको ये समझना है. इन पांच फंक्शंस में जो मेन है वो सिर्फ वन वन फंक्शन है, और वो आपका सिर्फ ऑन टू फंक्शन है. कैसे, ध्यान दीजिएगा, हर फंक्शन इन दो में से एक कैटेगरी फॉलो जरूर करता है. फंक्शन या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा. ठीक, तो अगर फंक्शन वन वन नहीं है देन इट विल बी मैनी वन. ठीक, तो वन वन अगर हमको पता है तो बस ठीक है, अगर वन वन नहीं हो रहा फिर मैनी वन ही होगा. ऐसे ही हर फंक्शन ऑन टू और इन टू में से एक कैटेगरी फॉलो जरूर करता है. जो फंक्शन ऑन टू होगा ठीक है, जो ऑन टू नहीं होगा वो हमारा इन टू होगा. तो बेसिकली अगर हमको वन वन होना और ऑन टू होना मालूम चल जाए, पता लग जाए कैसे वन वन हम चेक करते हैं, कैसे ऑन टू चेक करते हैं, तो फिर मुझे यहां पे बाकी सारी चीजें मालूम चल जा रही. क्यों, यहां देखिए वन वन एंड ऑन टू है, मतलब जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो. तो बेसिकली वी हैव टू स्टडी हेयर ओनली वन वन फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस. अगर हमें ये दो क्लियर हो गए तो ये पांचों बातें हमें एक साथ क्लियर हो जानी है. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना काम. तो नंबर वन हमारे पास यहां रहेगा वन वन फंक्शन, या इसको मैंने कहा था इंजेक्शन. ठीक है, चलिए वन वन फंक्शन. ठीक, अगर आप इसको नाम से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा. वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का मतलब बेटा हो गया वन टू वन,
वन टू वन, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज, मतलब एक का एक। जैसे यहां पर आप चेक करो, देखिए क्या हुआ इसमें, x का हमारे पास बीटा है, y का अल्फा है, z का भी बीटा है। तो आप देखिए यहां पर क्या है, वन टू वन ये हुआ ही नहीं, क्यों? आप देखिए x का बीटा आ गया और z का भी बीटा आ गया, तो ये दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, मतलब ये टू टू वन हो गया। ये क्या हो गया, टू टू वन हो गया, ठीक। तो वन टू वन का मतलब हो गया एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट की अपनी डिफरेंट इमेज सेट बी में होनी चाहिए, ठीक। तो आप लिख लोगे अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी वन वन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए has its different image in set B। चलिए ये तो हमारी एक theoretical definition हो गई, definition का use नहीं है हमको, हमको mainly use है how to find one one function, how to check one one function, ठीक है। तो चलिए हम उसी बात पे आ रहे हैं, तो आप डालोगे यहां पे heading method to check one one function। हम लोग चेक कैसे करें कि गिवन फंक्शन हमारा वन वन है या नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेथड हमारे पास क्या है, हमने कहा पुट एफ एक्स वन इक्वल टू, कितना ले लिया हमने एफ एक्स टू, जहां पे एफ एक्स वन एक्स टू क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट हमने डोमेन से लिए हैं, डोमेन क्या है हमारे पास सेट ए, हमने क्या किया एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिया, ठीक। ऑन सॉल्विंग हमने थोड़ा इसको आगे मैनिपुलेट किया, अगर हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है वो भी यूनिकली, ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करने पर अगर हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है यूनिकली, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा वन वन हो गया। अगर मुझे x1 इक्वल टू x2 नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे फंक्शन वन वन नहीं हुआ, और अगर हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है, साथ में एक रिलेशन और मिल जाता है जो कि पॉसिबल हो रहा होगा, उस केस में भी फंक्शन हमारा वन वन नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ x1 इक्वल टू x2 ही चाहिए। अरे बात सुनिए यार, तो ये आपका जो मेथड रहा, ये आपका रहा स्टैंडर्ड मेथड जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में यूज करते हो, ठीक। अब इस काम को करने की हमारे पास दो मेथड्स और हैं जो हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह में अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या क्या है वो, कॉम्पिटिटिव मेथड्स क्या क्या है, पहला ग्राफिकल, क्या हुआ ग्राफिकल में, ग्राफिकल में यह हुआ कि आप उस फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए अगर आप कर पा रहे हो, ठीक। क्या कहा मैंने, ड्रॉ ग्राफ इफ पॉसिबल, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो आप ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हमको इसमें यह चेक करना है कि अगर मैं उस ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करूं तो क्या कोई भी लाइन ग्राफ को मोर देन वंस काटेगी, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन वंस काटेगी तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, और अगर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को एटमोस्ट एक ही पॉइंट पर काटेंगी तो फंक्शन हमारा वन वन कहलाएगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही है, देखिए जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, मैंने कहा एफ एक्स बराबर मान लीजिए साइन एक्स, ठीक। साइन एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हो, एक सिंपल मैंने बना लिया ये इसको माइनस टू पाई से लेकर टू पाई तक के लिए, बाकी जाएगा तो ये और आगे भी इधर भी और पीछे। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो आप देख रहे हो हर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को चार चार पॉइंट पे कम से कम इस इंटरवल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वन वन नहीं हो पाएगा, ठीक। ये हमने शो किया माइनस टू पाई से लेकर टू पाई तक, और अगर मैं इसी को शो करूं सिर्फ सपोज करिए इतने पार्ट में, ये इंटरवल हो गया बेटा माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, तो इस इंटरवल में आप देख रहे हो कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी, ठीक। तो हम इस वाले इंटरवल में इसको बोल देंगे वन वन फंक्शन, और इस वाले इंटरवल में इसको हम वन वन फंक्शन नहीं बोल पाएंगे, आप समझ गए बात। तो ये रहा है ग्राफिकल मेथड, आपको याद होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट था हमारे पास, उससे हम क्या चेक करते थे कि गिवन ग्राफ फंक्शन शो कर रहा कि नहीं कर रहा। अब गिवन ग्राफ फंक्शन तो शो कर रहा है लेकिन वन वन है कि नहीं है, इसके लिए क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट,
ठीक, जो मैंने आपको यहां पर समझाया। चलिए एक और तरीका भी है इसका कॉम्पिटेटिवली, क्या है, यहां लिखोगे आप बाय डेरिवेटिव। आप क्या करोगे, आप सिंपल एफ डैश एक्स निकाल लोगे बस, ठीक। और अगर ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा या लेस देन जीरो आ जाएगा, एफ डैश इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्योरली पॉजिटिव है प्योरली नेगेटिव आ जाएगा तो मैं कह दूंगा फंक्शन इज वन वन। क्यों, इस केस में फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग और इस केस में फंक्शन कहलाएगा हमारा डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ होता है इस टाइप का, ऐसा होता है या ऐसा होता है या ऐसा होता है, इस टाइप के ग्राफ में कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मोर देन वन सही काट पाएगी। ऐसे ही इसका ग्राफ या तो ऐसा होता है या ये होता है या ये होता है, इस केस में भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मोर देन वन नहीं काट पाएगी। तो याद ये दो मेथड आपके पास और मैंने सपोर्ट करने के लिए आपको बता दिए हैं, लेकिन बोर्ड में आपको यही मेथड यूज करना है। क्या fx1 = fx2 लगाना है मुझे सॉल्व करके, अगर मुझे x1 = x2 यूनिकली मिल जा रहा है देन वी कैन से फंक्शन इज 1 1। अब जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा इफ f सच दैट r टू r और मैंने बोल दिया fx = x2, हमको चेक करना है ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं, ठीक। हमने क्या किया, हमने इसको लगा दिया fx1 = कितना लगा दिया fx2, तो ये बेटा हमको मिल जाएगा x1² = कितना मिल जाएगा x2². इसको मैं लेफ्ट में ले आया, ठीक है, तो आ गया x1 + x2 और इनटू आ जाएगा x1 - x2 = 0। तो यहां से x1 = x2 मिल गया और x1 = क्या मिल गया मुझे, माइनस का x2 मिल गया, या इसको ऐसे लिखा रहे तो आपको फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक। आप यहां पर देख रहे हो कि मुझे रिजल्ट में x1 = x2 तो मिला, लेकिन साथ में मुझे x1 + x2 = 0 भी मिल गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो रिजल्ट मुझे दूसरा मिला है क्या ये रिजल्ट गिवन डोमेन के अंडर एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब डोमेन है रियल नंबर, हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या दो रियल नंबर का सम 0 का भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आंसर मिलेगा दो रियल नंबर्स का सम 1 1 हो सकता, 0 हो सकता है, ठीक। तो मतलब ये रिजल्ट भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब मुझे x1 = x2 यूनिकली नहीं मिल पाया, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं कहलाएगा, ठीक है, बात क्लियर होगी बिल्कुल आपको। अब यहीं पर एग्जांपल में एक और ले रहा हूं, मैंने कहा f such that n to n एंड मैंने बोल दिया fx = कितना x2, ठीक, शुरू किया मैंने अपना काम, fx1 = कितना हो गया fx2। तो बेटा ये लिखा मैंने x1² = x2², तो यहां से मुझे फिर वही मिल गया, ठीक, x1 = x2 एंड x1 + x2 = 0। लेकिन इस बार क्या डिफरेंस है इसमें, इस बार ये डिफरेंस है बेटा x1 = x2 से मिला ही मिला, ये तो हमारे काम की चीज है, लेकिन जो दूसरा हमको रिजल्ट मिला है x1 + x2 = 0, ये रिजल्ट हमारे गिवन डोमेन में फॉलो नहीं होगा। मतलब ये नेचुरल नंबर है तो हम जानते हैं कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता, तो आप लिख लोगे दिस रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस fx इज 1 1। क्यों, मुझे x1 = x2 यहां पर यूनिकली मिल चुका है। तो ये तरीका रहा आपका बोर्ड एग्जाम में 1 1 फंक्शन को चेक करने का। और किसी भी कॉम्पिटिशन की बात आप करते हो तो आप ग्राफ बना पा रहे हो तो एक सेकंड आप ग्राफ बना लीजिए, सपोज कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो डिफरेंशिएशन आप कर पा रहे हो तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ऐसे चेक कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 आ रहा है मैनी वन फंक्शन, इससे की कोई डेफिनेशन नहीं है, अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज सेड टू बी मैनी वन, ठीक, अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 इज सेड टू बी मैनी वन, ठीक है। जैसे यहां पर हमको 1 1 नहीं मिला था देन दिस इज मैनी वन, ठीक। तो आज हमने बेटा आपसे 1 1 फंक्शंस की बात की और मैनी वन फंक्शंस की बात की, आज की बात यहीं तक, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।